इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने हेलीकॉप्टर कंपनी पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ा है। हेलीकॉप्टर प्रोवाइडर कंपनी पर उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। कंपनी पर हनुमान बेनीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बुकिंग कराने पर भी समय पर हेलीकॉप्टर नहीं मिला, हेलीकॉप्टर में भरा हुआ फ्यूल नियमानुसार सील पैक नहीं था, कंपनी जानलेवा हमले की तैयारी में थी और ये एक बड़ी साजिश थी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने सिर्फ एक सीट जीती और बाकी उनके सारे प्रत्याशी हार गए, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल ने हेलीकॉप्टर कंपनी पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ा है। हेलीकॉप्टर प्रोवाइडर कंपनी पर उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। कंपनी पर हनुमान बेनीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि बुकिंग कराने पर भी समय पर हेलीकॉप्टर नहीं मिला, हेलीकॉप्टर में भरा फ्यूल नियमानुसार सील पैक नहीं था। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने हेलीकॉप्टर कंपनी पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ा है। हेलीकॉप्टर प्रोवाइडर कंपनी पर उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। कंपनी पर हनुमान बेनीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बुकिंग कराने पर भी समय पर हेलीकॉप्टर नहीं मिला, हेलीकॉप्टर में भरा हुआ फ्यूल नियमानुसार सील पैक नहीं था, कंपनी जानलेवा हमले की तैयारी में थी और ये एक बड़ी साजिश थी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने सिर्फ एक सीट जीती और बाकी उनके सारे प्रत्याशी हार गए, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल ने हेलीकॉप्टर कंपनी पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ा है। हेलीकॉप्टर प्रोवाइडर कंपनी पर उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। कंपनी पर हनुमान बेनीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि बुकिंग कराने पर भी समय पर हेलीकॉप्टर नहीं मिला, हेलीकॉप्टर में भरा फ्यूल नियमानुसार सील पैक नहीं था।